खबर, पूर्व एमएलए मेवाराम को हाईकोर्ट से आंशिक तौर पर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मेवाराम की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। रेप और पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मेवाराम के वकील ने पुलिस जांच में सहयोग करने का दिया आश्वासन। पीड़िता ने कोर्ट में खुद रखा पक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व एमएलए मेवाराम को आंशिक रूप पर जो है यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट ने मेवाराम की गिरफ्तारी पर जो है रोक लगा दी है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। रेप और पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। पुलिस जांच में सहयोग करने का आश्वासन जो है वो दिया है। पीड़िता ने कोर्ट में खुद रखा पक्ष। तो फिलहाल आंशिक तौर पर राहत जो है यहां पर मिली है। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई थी। सुनवाई शुरू होने के बाद जैसे ही ये केस पड़ा गया तो उसमें आंशिक तौर पर राहत जो है मिली है। दरअसल गिरफ्तारी पर आंशिक तौर पर राहत यहां पर मिलती हुई नजर आई है। रोक लगी है फिलहाल गिरफ्तारी पर। पुलिस जांच में सहयोग करने का आश्वासन जो है वो दिया गया है। हालांकि पीड़िता ने कोर्ट में खुद यहां पर पक्ष रखा है। ये बड़ी जानकारी जोधपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व एमएलए मेवाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मेवाराम की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है। ये पूरी तरीके से राहत नहीं है, और रेप और पॉक्सो के मामले में गिरफ्तारी पर जो है रोक लगाई है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक की जो अर्जी है वो डाली गई थी, और इसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल आंशिक तौर पर राहत दी गई है कि गिरफ्तारी जो है पूर्व एमएलए मेवाराम की नहीं होगी। और अभी ये पूरा मामला जो है आगे जांच इस पूरे मामले पर जारी है। और